अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों ने इसके रिलेटेड क्यूरीज की, काफ़ी ने रिक्वेस्ट किया, कुछ स्टूडेंट्स कुछ फॉलोअर्स ने, कि आप कोई ऐसा टॉपिक बताएं या हमें कोई इस चीज़ के ऊपर गाइडेंस दे दें कि अपना ऑनलाइन बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काफ़ी फैक्टर्स हैं कि हमने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह से हमने अपने बिज़नेस को लेके चलना है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमने अपने कस्टमर्स को किस तरह से डील करना है, हमने प्रोडक्ट डिलीवर किस तरह से कराना है। काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ में मैटर करते हैं। हम स्टेप बाई स्टेप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये आ जाती है कि हमने अपना ऑनलाइन पेज या अपनी ऑनलाइन रिजेम्बलेंस बनानी है। ठीक है, हमने अपना एक ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक हमारा आ जाता है इंस्टाग्राम, दूसरा है फेसबुक। अब फेसबुक से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमें इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल ज़्यादा मार्केट मिल रही है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं जो इस तरह के टीनएजर्स या इस तरह की जो कैटेगरी है वो उसके ऊपर ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। जबकि फेसबुक के ऊपर हमारे पास ये बेनिफिट है कि आपको ना कि सिर्फ पेजेस, आप अपने ग्रुप्स वगैरह डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने अपना कोई भी एक्स वाई जी ब्रांड नेम देखना है, और ब्रांड नेम में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम रखते थे। हमें कॉम्प्लिकेटेड नेम नहीं रखना, आप कोई इजी नेम पे जाएं, छोटा नाम हो, इजी नाम हो, सबके लिए प्रोनाउंस करना भी आसान हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि जब कोई उसे टाइप करने लगे तो किसी को स्पेलिंग की कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर ये चीज़ होती है कि आपने जो भी नाम रखा है काफ़ी लोगों को तो उसकी स्पेलिंग ही ठीक से नहीं आ रहे होते, प्रोनाउंस नहीं तो सही कर सकते होते। लाइक अगर वो अपने किसी सोशल सर्कल में आपके पेज के बारे में बताएंगे कि जी, तो वो इसी हेजिटेशन में ही बताएंगे कि कहीं मैं ये नाम गलत ना प्रोनाउंस कर दूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि आपने अपना जो पेज नेम है वो बहुत ही सिंपल एंड ईजी रखना है ताकि हर कोई उसे आसानी से ढूंढ सके। अब पेज नेम तो हमने रख लिया, अब उसके बाद आ जाती है बात आपके लोगों की। लोगों के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करें, आप किसी बंदे से बनवाएं अपने लिए लोगो। आप खुद भी इस तरह से कर सकते हैं कि आप मोबाइल ऐप्स इतनी हैं लोगो मेकिंग की, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो काफ़ी हद तक फोटोशॉप आता है, जो हम रिसर्च कोड मूड कोर्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट मेकिंग काम करते हैं, पेन टूल आता है जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशंस करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपने अपना लोगो खुद किस तरह से डिज़ाइन करना है। आपका बिजनेस या आपका ब्रांड जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे आप कैजुअल्स में हैं, आप फॉर्मल्स में हैं, आप सेमी फॉर्मल्स में हैं, मेंस वेयर, चिल्ड्रन वेयर, तो आपने उससे रिलेटेड आइकन, उससे रिलेटेड कलर्स के भी यूज़ करनी है जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको लगता है आप बहुत रॉयल लुक में जा रहे हैं, आपका काम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव एक तरह से, ठीक है, रॉयल्टी से मेरा मतलब है कि आपका कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली आप फिर कोई उस तरह के हैवी एम्बेलिशमेंट मोटिव्स वाली कोई उस तरह की लुक ऊपर रख सकते हैं। अगर तो आपका ब्रांड है कैजुअल्स में, सिंपल, इजी टू वेयर, रेडी टू वेयर, और इस तरह के हमारे ड्रेसेस हैं, तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ज़रा इजी एंड एलिगेंट स्टाइल में चल जाएँ। चाहे आप कोई एक फॉन्ट ही डाउनलोड करके आप उस फॉन्ट में अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आ जाती है हमारे लोगों की कलर स्कीमिंग। अब कलर स्कीमिंग काफ़ी मैटर कर रही होती है कि हमने लोगों की कलर स्कीम क्या करनी है। काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि नहीं, हम सिर्फ ब्लैक गोल्डन या वाइट गोल्डन की थीम में चले जाएं तो वो बहुत एलिगेंट लगेगा। एलिगेंसी का लेना देना कहीं से भी गोल्ड या वाइट या ब्लैक की कलर स्कीमिंग के साथ नहीं है, ठीक है। वो हम लोगों ने उस चीज़ को वैसे ही रिप्रेजेंट कर करके उस तरह से बना दिया है कि कहीं पर भी एलिगेंसी का नाम आता है तो वो लोग समझते हैं कि बस बिल्कुल बारीक सा लोगो होगा और पीछे बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसमें पिंक्स की टोन में जा सकते हैं, आप ग्रीन्स की टोन में जा सकते हैं, आप पेस्टल शेड्स में जा सकते हैं। अगर आपके ड्रेसेस आप सिर्फ विंटर वेयर के ऊपर या कोट टक्सीडोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ कलर्स एलिमेंट्स, विंटर के एलिमेंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर। लाइक दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपने किसी दूसरे के लोगों को देख के ये नहीं करना कि नहीं इनका लोगो इस तरह का है या मेजॉरिटी के लोगो इस तरह के हैं, क्योंकि लोगोज, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट ये वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। सेकंड तो हमने ख्याल रख लेना है लोगों का। फर्स्ट चीज़ हमने देखी कि हमने अपना ब्रांड नेम क्या रखना है, सेकंड हमने अपना लोगो किस तरह का डिज़ाइन करना है। अब थर्ड हम आ जाते हैं हमारे पेज की बायो के ऊपर। बायो में आपने बहुत स्पेसिफिक हो जाना है कि आप
कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो आपने वो साथ मेंशन करनी है। और कैश ऑन डिलीवरी बेस्ट इसलिए है क्योंकि आपकी कस्टमर्स का जो है वो ट्रस्ट लेवल उसके ऊपर बिल्ट होता है। क्योंकि आजकल काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में स्कैम्स भी होते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, तो इसलिए काफ़ी लोग हैं जो हेजिटेट करते हैं एडवांस मनी देके फिर अपना पार्सल रिसीव करने पे। तो ये वाली चीज़ जो है वो बिज़नेस को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है अगर आपके पास ये कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज नहीं है। तो अब कैश ऑन डिलीवरी हमने किस तरह से करनी है, आप इंटरनेट के ऊपर जाएँ, आप वहाँ पर सर्च करें गूगल के ऊपर कुरियर सर्विसेज इन पाकिस्तान, ठीक है, या कैश ऑन डिलीवरी कुरियर सर्विसेज इन पाकिस्तान, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब इसमें काफ़ी सारे हैं, लेपर्ड्स है, TCS है, कॉल कुरियर है, फॉरन है, तो आपको ना डिफरेंट आईडीज मिल जाएंगे वहाँ पे, आपको उनसे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे डिटेल्स दे सकते हैं। अब बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपने वो फॉर्म फिल करना है अपनी डिटेल्स वगैरह, आपने उनसे जाके बात करनी है। अगर आप कॉल पर नहीं कर सकते, आप जाके बात कर सकते हैं उनके ऑफिस में कि मेरा इस तरह का बिज़नेस है, छोटा सा सेटअप हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और उसके लिए हमें कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज में आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। तो ऑब्वियसली उन लोगों को भी उस चीज़ से बिज़नेस मिलना है। आप बजाय इसके कि जो जितने ब्रांड्स हैं बाकी डिलीवरी के, हर किसी की तो कोशिश ये होती है ना कि हमारे पास इनकम और ज़्यादा होना शुरू, तो ऑब्वियसली वो आपको उस चीज़ से रिलेटेड एक तो बेहतर गाइड कर देंगे कि आपने किस तरह से करना है, और सेकेंडली ये कि वो आप लोगों का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा देंगे। अब इसमें काफ़ी लोगों को डर किस चीज़ का होता है कि हमारे जो पार्सल की पेमेंट वो लोग रिसीव कर रहे हैं वो हमें मिलेगी या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पेमेंट रिसीव करते हैं आपसे वो आपको बैंक के थ्रू साथ साथ जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें आपके जो फॉर्म है उसके बीच में लिखा होगा कि वो आपको साथ ट्रांसफ़र करेंगे या वो आपको मंथली आपके जितना भी होगा वो इकट्ठे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मतलब कुछ चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट के ऊपर भी फिर आपको साथ चलानी पड़ती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमने अपना पेज बिल्ड तो कर लिया, हमने अपनी बायोग्राफी में ये लिख लिया कि हम कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं। हम उसमें ये लिख सकते हैं कि हम किन साइजेस के कपड़ों में डील कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ कैजुअल वेयर में डील कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ चिल्ड्रन वेयर में डील कर रहे हैं, क्या हम मेंस वेयर में भी डील कर रहे हैं। अगर हम कैजुअल में या चिल्ड्रन में या मेंस वेयर में किसी भी एक में डील कर रहे हैं तो हम इसमें कौन सी सब कैटेगरी के ऊपर डील कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ जो है फॉर्मल्स बना रहे हैं चिल्ड्रन वेयर में, क्या हम सिर्फ उनके पार्टी वेयर्स बना रहे हैं, या हम स्लिप सूट्स बना रहे हैं, या हम यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं, हमने एक वो चीज़ स्पेसिफिकली कर देनी है, ठीक है। मतलब आपकी बायो में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में आपने छोटी छोटी हेडिंग्स में ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। अब बायो भी कंप्लीट होगी, हमारा पेज जो है वो बनने की तरफ आ गया। अब आपने सिर्फ पोस्ट लगाना शुरू करनी है। अब पोस्ट लगाने के लिए ऑब्वियसली जरूरी आपके पास प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट का आएगा, कैसे हमने तैयार करना है। अब देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि वीडियो ही उन लोगों के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका बिज़नेस स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेगा। अगर आप डायरेक्ट बोलो कि नहीं हमने 50,000-60,000 की इन्वेस्टमेंट डाल के हमने एक कलेक्शन तैयार की, हमने 20-30 ड्रेसेस बनाए, उसमें हमने टेलर्स को पे किया, हमने फोटोशूट के लिए फोटोग्राफर्स को पे किया, तो इस तरह से ये है कि आप अपने आप को बर्डनाइज करोगे। आप एक दफ़ा रिस्पांस चेक करो, आप अपने कस्टमर्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट करो, उनके साथ डीलिंग इस तरह से करो कि वो दोबारा भी आपके पास आएँ। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास अगर 2,000-3,000 रुपीज़ हैं जो भी आपकी पॉकेट मनी में से आपके पास बचे हुए हैं, या मैक्सिमम लेट्स सपोज हम 5,000 से प्ले करते हैं, ठीक है। आप किसी भी मार्केट में, जिस तरह से लेट्स सपोज यहाँ अगर इस्लामाबाद की मार्केट में मैं देखूँ, आप राबी सेंटर जा सकते हैं, आप चाइना मार्केट जा सकते हैं, आप ये पिंडी में मोती बाज़ार वगैरह वाली साइड के ऊपर जा सकते हैं। आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ से सिर्फ सिंपल स्टॉलर स्कार्फ या हिजाब वो परचेज करें जो आपको लगता है कि ट्रेंडिंग में चल सकते हैं, या आप उनकी फोटोग्राफी इतने अच्छे तरीके से करवा सकते हैं कि जो आपका क्लाइंट है वो आपसे परचेज कर ले, ठीक है। ये सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं चीज़ बता रही हूँ। अब ड्रेसेस हमने कहाँ पे आके सेल करने हैं, ड्रेसेस का बिज़नेस हमने कैसे इसी को लेके स्टार्ट करना है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब हमने स्कार्फ्स लिए 5,000 के, हमने पहले वही सेल किए, उससे जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो हमने खर्च नहीं करना कहीं, वो प्रॉफिट हमने सेव करते जाना है, चाहे आपके बैंक अकाउंट में सेव हो। अब कैश ऑन डिलीवरी का एक ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, जिन लोगों का हाथ बहुत खुला है खर्च करने के मामले में, उन्हें इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है कि वो अकाउंट में पैसे डायरेक्टली आते जाते हैं, तो उन्हें खर्च करने का मौका नहीं मिलता, और इस तरह से सेविंग्स जो है, जो हमारा प्रॉफिट है वो दोबारा से सेव होता जाता है। अब जो हमारे, अगर हमने 10 स्कार्फ्स लिए थे, वो 10 स्कार्फ सेल हो गए, आपको उन्हीं का दोबारा ऑर्डर आया या आपको उसके पर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आप अगेन जाओ, आप अगेन
उसी प्रॉफिट से, लाइक हमने 5,000 स्पेंड किया, हमने लेट्स सपोज 8,000 या 10,000 हमारे पास दोबारा आ गया हमारी प्रॉफिट के साथ, ठीक है, हम वही पैसे लेके दोबारा जाएं हम मजीद स्कार्फ लें। स्कार्फ के ही बिज़नेस को हमने थोड़ा टाइम, या हिजाब को हमने थोड़ा टाइम और जो है वो एक्सटेंड करके चला लिया। आप उसके साथ जो हिजाब के और एसेसरीज होती हैं, ब्रोश वगैरह, आप वो चीज़ें भी साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको लगा कि एक स्टेज पे जाके अब आपके पास इतने पैसे आ गए हैं, आपके पास 20-30,000 रुपीज़ जमा हो गया, अब उससे आप अपने ड्रेसेस का काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके साथ जिन लोगों ने स्कार्फ आपसे परचेज किए होंगे, जो कि एक बना बनाया प्रोडक्ट था, आपने सिर्फ उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल किया, उन लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी ट्रस्ट हो जाएगा कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये डील अच्छे तरीके से करते हैं, कोई रूडली बात नहीं करते, डिस्काउंट्स का आपने बीच में मार्जिन रखा हुआ है, कोई कस्टमर अगर डिस्काउंट लेना चाह रहा है आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, या अगर आपकी डिस्काउंट स्ट्रेटेजी नहीं भी है तो आप एटलीस्ट अच्छे तरीके से ग्रीट कर रहे हैं जब कोई आपके पेज पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपने ड्रेसेस का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप सबसे पहले सिर्फ कैजुअल शर्ट से स्टार्ट करें, आप सिर्फ टॉप से स्टार्ट करें, आपने खुद डिज़ाइन करने हैं, ऑब्वियसली आप एक डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं या आपने डिज़ाइनिंग स्टडी की हुई है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी है कि आप सिर्फ टॉप या सिर्फ ट्राउजर्स, ये दो चीज़ें दोनों को इकट्ठे नहीं करना। इकट्ठे इसलिए नहीं करना क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं ट्राउजर्स या टॉप की इकट्ठे में, तो वो एक ही प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है किसी भी बंदे को परचेज करने में। जो चीज़ होती है छोटी 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से वो लोग जल्दी परचेज कर लेते हैं, जो चीज़ चली जाती है 5,000 अबव प्राइस रेंज में, उसमें लोगों को होता है कि हम थोड़ा सा, जब यही चीज़ हमने यहाँ से लेनी है तो हम किसी बड़े ब्रांड से लेने जिनके नाम लिए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो हमारी जो शर्ट्स हैं उनकी प्राइस कम हो, दूसरा ये कि हम या सिर्फ सिंगल शर्ट्स के ऊपर पहले वर्किंग करेंगे या सिंगल ट्राउजर्स के ऊपर पहले वर्किंग करेंगे। अब ऑब्वियसली ट्राउजर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा वेरिएशन वर्किंग उस तरह से नहीं आती, क्योंकि जिस भी पर्सन ने मैच करना है ट्राउज़र को, ज़्यादातर वाइट स्किन ब्लैक, ये तीन कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। अब शर्ट्स में ये है कि आप वेरिएशंस निकाल सकते हैं, आप बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स कर सकते हैं, आपने जो है अपना जो भी पेज बनाया है आप उससे रिलेटेड कैजुअल्स में, प्रेट फेयर में, जो हैं हमारी थोड़ा सा प्लस साइज़ लेडीज़ के लिए, आप उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको जो सबसे मेन चीज़ है आपकी स्टिचिंग, स्टिचिंग ये है कि स्टिचिंग के लिए मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग बजाय इसके कि मार्केट के टेलर्स के पास जाएँ, जो घरों के पास हमारे सेक्टर्स में डिफरेंट फीमेल टेलर्स जो हमारी दर्जनें बैठी हुई हैं, जो घर से काम कर रही हैं, आप उन्हें रीच करने की कोशिश करें, आप उनके साथ डील बनाएं कि हम आपसे मंथली जो है इतने ड्रेसेस स्टिच करवाएंगे, उसके बदले हम आपको मंथली फिक्स इतने पैसे दे दिया करेंगे। लाइक लेट्स सपोज मैं आपको 30,000 दे रही हूँ पर मंथ, तो उसमें मुझे 50 ड्रेसेस जो हैं, 50 शर्ट्स जो हैं वो हर मंथ तैयार चाहिए। मैं आपको 20,000 दे रही हूँ तो उसके बदले मुझे 50 शर्ट्स जो हैं वो रेडी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ जैसे मेरा काम बढ़ता जाएगा मैं आपके भी साथ जो है वो सैलरी बढ़ाती जाऊँगी, लेकिन उसमें फिनिशिंग इस तरह की होनी चाहिए, आपने जो भी चीज़ें हैं जो एक डिज़ाइनर ड्रेसेस में होनी चाहिए वो आपने उन्हें खुद साथ ऑब्वियसली लग के थोड़ा सा गाइड करनी होगी कि कहाँ पे क्या चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट होनी, मतलब आप अपना टाइम जितना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे आपका जो प्रोडक्ट है वो उतना ही क्वालिटी वाइज अच्छा निकलेगा। अब ये एक हमारा मेन फैक्टर है। इसके अलावा एक और बहुत मेन चीज़ आती है जिसमें काफ़ी लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि बस हम अपने पैसे यहाँ से बचा लें किसी तरह से और हमारा जो है काम किस तरह चल जाए। अब वो चीज़ है फोटोग्राफी। अब देखिए जब तक हमारे प्रोडक्ट की पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी तो वो सेल नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक अगर आप ये सोचें कि आपने किसी हैंगर के ऊपर, अपने ही रूम की किसी कबर्ड के ऊपर ड्रेस लगा दिया है और आप उसकी फ़ोटोग्राफी मोबाइल से करके अपलोड कर देंगे, तो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट उस तरह का नहीं होगा जितना वो क्लियर रिज़ल्ट आ सकता है। बेशक आप फोटोग्राफी बाहर से ना करें, आप ये सोचें कि जिस तरह हम लोग अपनी पिक्चर्स या अपने डीपीज़ लेते हैं, हमारी क्या कोशिश होती है, हम किसी अच्छी जगह पे जाके खड़े हों, एंगल अच्छा आ रहा हो, मेरी ये साइड अच्छी है, यहाँ से पिक्चर अच्छी आनी चाहिए, इस वाले एंगल से भी ट्राई करो, इससे भी ट्राई कर लो, उसके बाद जो एक कोई अच्छी होती है वो हम पोस्ट करते हैं, ऐसे ही। अब हमने ड्रेसेस के लिए भी इसी तरह से करना है, हमने ड्रेसेस का आप खुद पहन लें, आप अपने किसी फ्रेंड को पहना दें, या फिर अगर आप मैनिक्विन भी करें तो आप कोशिश करें आप डे लाइट में आउटडोर शूट करें, इवन इफ अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो भी आप आउटडोर करें, क्योंकि घरों में ये होता है कि हमारी लाइट कम होती है, ऑब्वियसली स्टूडियो लाइट्स वगैरह तो आपके पास नहीं, आपने तो खुद फोटोग्राफी करनी है,
तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप आउटडोर जाके कर लिए। दूसरा ये हो सकता है कि जो न्यू फोटोग्राफर्स हैं आप उनके साथ कोलेब्रेशन में काम कर सकते हैं, उससे ये कि आपका भी पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और जो फोटोग्राफर है उनका भी पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन फोटोग्राफी अच्छी होना मस्ट है, जिसमें आपके क्लाइंट को फर्स्ट लुक में ही वो पिक्चर देख के वो चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है, अक्सर दफ़ा ये होता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना हुआ होता है लेकिन फोटोग्राफी नहीं अच्छी हुई होती, इस वजह से कस्टमर की अटेंशन नहीं आती उसकी तरफ। लाइक वो न्यूज़ फीड में स्क्रॉल कर रहा है तो वो स्क्रॉल करके ऊपर चला जाएगा, तो इस चीज़ का हमने काफ़ी ख्याल रखा है। अब चीज़ आ जाती है, हमने फोटोग्राफी कर ली, हमने ड्रेसेस बना लिए हैं, अब हमने पोस्ट भी कर दिया। लाइक अगर इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप पोस्ट डिज़ाइन करके कर रहे हो या आप उस पोस्ट के ऊपर अपना सिर्फ लोगो लगा के कर रहे हो, आपने सिर्फ ये करना है इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू आप उसे सिर्फ स्क्वायर साइज़ में कर लो, 6x6 का साइज़। वैसे मैं यूजली रखती हूँ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 6x6 इंचज़ और 300 रेजोल्यूशन में। तो आप उसके ऊपर अपना जो लोगो है वो लगा लें, बैकग्राउंड बेशक वाइट कर लें, जरूरी नहीं कि आप बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड करें। हमने बैकग्राउंड नहीं शो करना लोगों को, हमने अपना ड्रेस शो करना है। ठीक है, तो मेन जो हमारी अटेंशन जो भी क्लाइंट की हमने लानी है उस ड्रेस के ऊपर लानी है, उस ड्रेस के ऊपर जो एम्बेलिशमेंट है हमने उस चीज़ के ऊपर लानी है कि उसके कट्स वगैरह किस तरह के। तो हमने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट भी लगा ली और हमने वो प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर दिए, वन बाय वन सीक्वेंस से वो चीज़ लगाते चले गए हम। अब दूसरी एक चीज़ जो स्टूडेंट्स और इसमें करते हैं, एक प्रोडक्ट की पोस्ट उन्हें अगर पहले लगा दी है वो बहुत नीचे चली गई है और वो प्रोडक्ट उनका सेल भी नहीं हुआ, वो उसे रीपोस्ट नहीं करते। आपका प्रोडक्ट है ऑब्वियसली आप उसे रीपोस्ट कर सकते हैं, अगर वो चीज़ आपकी सेल नहीं हुई अभी तक या वो इन स्टॉक पड़ी हुई है तो आप उसे थोड़े टाइम बाद दोबारा लगा लें। ग्रिड वाले सिस्टम में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतनी फ़ोटोज़ हैं जो एक ग्रिड फॉर्म में एक अच्छी ग्रिड का लुक दे सकती हैं तो आप ग्रिड बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि वो ग्रिड में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, लेआउट सेट नहीं हो रहा और बस यही है कि बस तीन तीन पोस्ट हमने लगानी है किसी भी तरह एक ही एंगल पर करके, तो ग्रिड पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आ जाती है बात कि हमने अपने बिज़नेस को प्रमोट कैसे करना है। ठीक है, हम लोग क्लिक करते इस टाइम पे हमने 20-30,000 जमा किया था, उसमें से लेट्स सपोज हमने 6 शर्ट्स बना ली हैं, वो 6 शर्ट्स की हमने फोटोग्राफी कर ली है। अब जो बाकी हमारे पैसे हैं उसमें से हमने टेलर को भी दे दिए, ठीक है, जो हमारी दर्जन थी हमने उन्हें भी पे कर दी हैं और अब बारी है प्रोडक्ट को सेल करने की। अब हमने सेल कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ हमने एड्स चलाने हैं आपके पोस्ट के ऊपर। आप बेशक पूरे पेज के ऊपर एड रन कर दें या आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर एक एक पिक्चर के ऊपर जो है आपको पेड प्रमोशंस लगा दें। अब पेड प्रमोशंस का इतना कोई इशू नहीं है, अगर आपका अपना कार्ड नहीं चलता और आपने अपना बिज़नेस चलाना है तो मैं तो ये प्रेफर करूँगी आप बैंक से जाके बात करें और कार्ड अपना एक्टिवेट करवा लें क्योंकि आप खुद जो है यूज़ कर सकें, वरना फैमिली में से किसी भी कार्ड को आप लेके किसी से भी परमिशन ले लें अपने फ्रेंड सर्कल में से या कुछ कि इतने की बूस्टिंग मैंने अपने पेज के ऊपर लगानी है, तो वो चार्जेस मैं आपको बाय कैश पे कर दूंगी और आप उसे बूस्ट कर दें। ठीक है, तो उसमें ये भी है कि उन्हें भी कोई इशू नहीं होगा, सामने उसी टाइम पे बैठ के आप लोग बूस्टिंग कर सकते हैं। अब बूस्टिंग से ये होगा कि आपका पेज तो ऑब्वियसली न्यू है, उसे कोई जानता नहीं है, लेकिन जब वो बूस्ट करेगा इंस्टा या फेसबुक तो वो लोगों के न्यूज़ फीड में शो होना शुरू हो जाएगा। अब जब न्यूज़ फीड में लोग देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो देखेंगे फोटोग्राफी अच्छी हुई हुई है, फैब्रिक अच्छा लग रहा है और फैब्रिक प्रेस होके हमेशा फ़ोटोशूट करना है। काफ़ी लोगों का मैंने भी नोट किया है कि वो आयरन भी ठीक से नहीं हुआ हुआ होता, बस डायरेक्ट उन्हें ऐसे ही पोस्ट कर देना होता है। तो हमने अपने फैब्रिक की, हमने अपने ड्रेस की प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब बूस्टिंग से ये है कि हमारे रिजल्ट्स आते हैं ऑब्वियसली। अब किसी ने इनबॉक्स किया तो आपने एक्टिव रहना है, आपने नोटिफिकेशन अपनी ऑन रखनी है, आपको पता लगे कि इतने लोगों के मैसेज आ गए हैं, इतने लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया है। जो चीज़ जैसी आउट ऑफ स्टॉक हो रही है आप बेशक उसके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि वही फैब्रिक आपको दोबारा मार्केट से मिल जाएगा इसलिए आप वो फैब्रिक दोबारा ले आएँ और अगेन उसी तरह से स्टिच करवा के फिर उन्हें डिस्पैच कर दें। अब लास्ट चीज़ जो हमारी आ जाती है, हमने ड्रेस को या हमने अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे भिजवाना कैसे है। अब इस चीज़ में भी काफ़ी लोगों का ये होता है कि बस ठीक है ऑनलाइन ही तो जाना है उसके थ्रू, TCS वगैरह सर्विसेज के थ्रू, तो इतनी पैकिंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आपका ब्रांड है तो ऑब्वियसली उसकी पैकेजिंग के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। आप बेशक वो ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं जिसके अंदर पैकिंग होती है आप उसके अंदर डालें, आप नॉर्मल अपना कोई भी एक डिज़ाइन बना लें, कोई कार्ड बना लें, रिबन के साथ उसे बांध दें, बो बना लें उसके साथ,
लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर आपके विजिटिंग कार्ड होने चाहिए। विजिटिंग कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा कितने के प्रिंट हो जाएंगे, 2000 या 2500 रुपीज़ के प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब क्लाइंट के पास वो चीज़ जाए, वो उसे ओपन करें, जब किसी भी कुरियर सर्विस के पार्सल में से ओपन करें, तो अंदर आपका पूरी खूबसूरत सी चीज़ उनके सामने है। ऐसे ना हो कि बस गंदी सी फोल्डिंग में आपने करके भेज दिया, आगे कुरियर वालों ने भी ख्याल नहीं किया, ठीक है। और कुरियर वालों को भी आपने ये कहना है कि आप लोगों ने ये ख्याल से पहुँचाना है। उसके साथ दूसरी एक चीज़ कस्टमर रिटेन करने की है कि आप कोई छोटे छोटे गिफ्ट आइटम साथ बीच में रख लें। लाइक अगर आप किसी को कोई चीज़ भिजवा रहे हैं, आप उसके साथ का कोई छोटा सा क्लिप, कोई रिंग, कोई चीज़ एज अ फ्री गिव अवे साथ डाल के भेज दें। अब इससे ये होगा कि आपका फर्स्ट क्लाइंट है, आपके पास वो पहली दफ़ा आया और आपने उसे साथ एक फ्री गिफ्ट दे दिया, तो जो एक कस्टमर और क्लाइंट, कस्टमर और बिजनेस पर्सन का जो आपस का रिलेशन है वो भी साथ स्ट्रॉन्ग होता है। और उनसे फिर रिव्यूज़ लाजमी मांगने हैं आपने कि आपको पार्सल रिसीव हुआ, आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली अगर आप माइंड ना करें तो हमें इसमें एक पिक्चर क्लिक करके भेज दें, आप हमारे पेज के ऊपर रिव्यू कर दें, आप हमें अपनी स्टोरी में टैग कर दें या अपने फ्रेंड्स को बता दें, ठीक है। अब लोग रिव्यूज़ लेने के लिए हेजिटेट करते हैं कि नहीं बस ठीक है चीज़ पहुँच गई, खैर है, दैट्स ओके, हमें पैसे तो आगे हमें ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे डबल करने हैं तो उसके लिए आपको रिव्यूज़ की ज़रूरत है, और अक्सर लोग इस तरह के हैं जो रिव्यूज़ देख के ही आपके पेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये अब सारा प्रोसेस है स्टार्ट से लेके एंड तक कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। मिनिमम आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता उसे डबल करें, फिर जो ये भी प्रोडक्ट्स बिकेंगे आपने उनका भी जो प्रॉफिट है वो दोबारा से सेव करके री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, फोटोग्राफी बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, ये चीज़ें सारी जो हैं वो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं लेकिन ये बहुत काउंट करते हैं। और आपने अपने बिजनेस को खुद प्रॉपर टाइम देना है, इंस्टेड इसके कि आप उसे एज अ पार्ट टाइम चलाएं। ऑब्वियसली जब पार्ट टाइम चलाएंगे तो पार्ट टाइम जितनी इनकम आएगी, लेकिन अगर आप उसमें फुल टाइम दे के चलाएंगे तो आपकी इनकम जो है वो डबल होती जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी होगी तो काइंडली पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, या अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई चीज़ें, कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई कॉन्सेप्ट इस तरह के हों, या किसी चीज़ में हेल्प चाहिए फर्दर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।